हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को टैक्सोनॉमिक एड के बारे में बताया था। नाउ वी विल स्टडी द टैक्सोनॉमिक एड वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट जो मैं टैक्सोनॉमिक एड ले रही हूँ बेटा, वो ले रही हूँ फर्स्ट इज बॉटैनिकल गार्डन। व्हाट आर दिस बॉटैनिकल गार्डन? गार्डन एज यू नेम इंडिकेट, गार्डन मीन्स वेयर द प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड एज गार्डन। बॉटैनिकल means botany is the study of the plants. So that is, first of all, botanical gardens are those places where all the different types of plants, all the living plants, yani ki botanical garden mein almost, all the types of living plants are grown. जितने भी तरह के लिविंग प्लांट्स होते हैं, मोस्टली कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स है ना, उनको ग्रो किया जाता है। फॉर वॉट पर्पज है ना, वाई दे आर यूजली वाई दे आर ग्रोन, तो वॉट इज द पर्पज? यानी कि बॉटेनिकल गार्डन सबसे पहले क्या होगा? बॉटेनिकल गार्डन आर द प्लेसेज वेयर द ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। सेकेंड थिंग, वॉट इज द पर्पज? Purpose of botanical garden. तो बच्चे अगर हम लोग history में जाएं, history मतलब जब king और monarchy system हुआ करता था, मतलब राजाओं का राज हुआ करता था, तो उस time में usually राजा लोग अपने gardens को एक तरह से उनका वो botanical garden हुआ करता था, जिसमें वो they usually means उनके जो गार्डनर्स होते थे वो ग्रो करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है ना, जस्ट फॉर द एस्थेटिक वैल्यू, जिससे कि राजा को बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग तरह के फूल हैं, पौधे हैं जो अलग अलग एरियाज में मिलते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई, अगर जस्ट सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, हम लोगों को जब व्हेन आई वॉज इन BSc एट दैट टाइम साइकस प्लांट वॉज नॉट अवेलेबल इन रिवाड़ी, ओके। नाउ तो देयर आर एम्पल ऑफ साइकस ट्रीज है ना, बहुत सारे साइकस ट्रीज हो गए थैंक्स टू ऑल दीज नर्सरीज विच आर जस्ट सेलिंग द साइकस ट्रीज। लेकिन उस टाइम में साइकस ट्री नहीं था बेटा, पूरी रिवाड़ी में नहीं था। तो हम लोगों को कॉलेज की तरफ से अलवर लेके गए थे, और अलवर में बोटैनिकल गार्डन है बेटा, अलवर के मेन में सेंट्रल एक चौराया है, द नेम आई एम नॉट रिकलेक्टिंग इट बिकॉज इट इज़ क्वाइट बैक इन 1992 और 1993 की बात है बेटा। अलवर लेके गए थे एंड वहाँ पे एक गार्डन था बेटा, जो गार्डन इट वाज द गार्डन ऑफ द रॉयल फैमिली, और उसके अंदर हमको उन्होंने फर्स्ट टाइम आई हैड सीन द ग्रीन हाउस ऑल्सो, जिसको जो पूरा ग्लास का बना हुआ था, जिसमें दे हैड ग्रोन वेरियस टाइप ऑफ यू कैन से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एंड ऑल दोज प्लांट्स विच आर नॉट able to survive in the scorching hot heat, यानी राजस्थान बेटा is a hot place ना, लेकिन वहाँ पर वो हर्बी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट सारे तरह के प्लांट्स थे, और साइकस भी प्लांट था। तो फर्स्ट टाइम आई हैड सीन साइकस ओवर देयर, तो दीज दैट वर द बोटैनिकल गार्डन। बट नावा डेज जो बोटैनिकल गार्डन मेंटेन कर रखे हैं उसके क्या क्या पर्पस है? तो सबसे फर्स्ट पर्पस जो है बोटैनिकल गार्डन का, that is a scientific study. Scientific study, जैसे we were in the, when we were in the college, तो at that time for the study of those different type of bryophyte, pteridophyte and gymnosperm, we had gone there to study. तो that is a scientific study. Second thing होता है बेटा कि जो botanical garden होते हैं, ये usually helps in conservation of endangered species. This is we will study in the 12th class also in detail, क्योंकि many of the plant species as well as the species of animal get endangered, यानी कि they are on the verge of extinction, यानी कि वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो उनको conserve करने के लिए botanical garden में उनको conserve किया जाता है।
तो सेकेंड पर्पस हो गया बॉटनिकल गार्डन में कि उनको कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू आई कैन नॉट हैव अ वर्ड इन हिंदी, बट व्हेन वी जस्ट विजिट टू एनी ऑफ द गार्डन और एनी ऑफ द ग्रीन प्लेस वी फील वेरी हैप्पी एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट टू दीज गार्डन्स, यानी कि दोज विच आर द बॉटनिकल गार्डन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट टू दैट गार्डन। तो दीज आर द पर्पस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन वेयर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग प्लांट्स आर ग्रोन। दोज हु आर स्टडिंग बॉटनी दे यूजअली विजिट ओवर देयर टू फाइंड आउट देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, देयर प्लेस ऑफ लोकेशन, ओरिजिन ऑफ लोकेशन, वॉट इज देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और द वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उस सबको आइडेंटिफाई करने के लिए बॉटेनिकल गार्डन में जाया जाता है। तो फर्स्ट इज द बॉटेनिकल गार्डन इज द टेक्सोनॉमिक एड। अब हम बात लेते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन कौन कौन से बहुत फेमस है, यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। तो इन इंडिया, पहले हम इंडिया में लेंगे, इन इंडिया टू बॉटेनिकल गार्डन्स आर वेरी फेमस। द फर्स्ट इज द इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ये बेटा जो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है, इट इज सिचुएटेड इन द हावड़ा। कहाँ सिचुएटेड है बच्चे ये? हावड़ा में। और हावड़ा किधर है बेटा? कोलकाता में। ओके, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, जो राजा लोग हुआ करते थे वो लोग बॉटेनिकल गार्डन डेवलप करवा के रखते थे। तो इसका नाम बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत एंशियंट यानी ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग, इसका प्रीवियस नेम जो रहता था, मैं इसका लूँ एंशियंट नेम, तो इसका एंशियंट नेम था, दैट वॉज रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। और उस टाइम में द प्लेस वॉज नोन एज कलकत्ता, तो दैट इज द कलकत्ता में रॉयल बॉटेनिकल गार्डन था। इवन टिल बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इट वॉज कंसिडर एज रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज कंसिडर एज इंडियन बॉटेनिकल गार्डन एंड नाउ इट इज रीनेम्ड। अब इसका नया नाम हो गया, दो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, बट इट इज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन। हमारी बुक में नाम दे रखा है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता, बट अब इसका रीसेंट नेम हो गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन। अब बात आते हैं कि ये इंडियन बॉटेनिकल गार्डन किस लिए फेमस है, व्हाई इट इज़ फेमस फॉर। तो व्हाई इट इज़ फेमस फॉर, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि इट इज़ सो फेमस, कि हम कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी गुड गार्डन। तो सिंपली नाउ व्हाई इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज फेमस फॉर, तो व्हाई इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज फेमस फॉर। बॉटेनिकल, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है बेटा? कोलकाता में, है ना, हावड़ा। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मोस्टली देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ट्रीज और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर, बट इट इज मेनली फेमस फॉर द थ्री मेन रीजन। द फर्स्ट इज द बैनियन ट्री, ग्रेट, द ग्रेट
बैनियन ट्री। बेटा बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है वहाँ पे, उसको कहा जाता है ग्रेट बैनियन ट्री। इसका अगर हम लोग बॉटेनिकल नेम देखें तो इसका नेम होता है बेटा फाइकस, फाइकस बेंगेन बंगाल डेनिसिस, फाइकस बंगालेनिसिस। तो फाइकस बंगालेनिसिस मतलब बंगाल में मिल रहा था, और फाइकस इसका नेम ऑफ द जीनस है, बंगालेनिसिस मतलब कि क्योंकि बंगाल में मिल रहा है। तो ग्रेट बेनियन ट्री द बॉटेनिकल नेम इज द फाइकस बंगालेनिसिस, फाइकस इज द नेम ऑफ द जीनस, बंगालेनिसिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। नाउ क्यों फेमस है बेटा, तो इट इज़ अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड। कितने साल पुराना है ये पेड़, 250 ईयर्स ओल्ड है बेटा। अब ऐसा चलो 250 ईयर्स ओल्ड तो बहुत सारे प्लांट होंगे, लेकिन इसके अंदर प्रॉप रूट, आप लोगों ने बेटा बरगद का पेड़ देखा होगा, मेन ट्री होता है और इस तरह से जाती है और इधर से स्टेम्स रूट्स निकलती हैं जो आके कई बार ज़मीन पे अटैच हो जाती हैं, इन रूट्स को कहा जाता है प्रॉप रूट। तो देयर आर वेरियस प्रॉप रूट, तो कितनी प्रॉप रूट है इसकी, अराउंड 800 प्रॉप रूट्स आर देयर, ओके सॉरी 8800 प्रॉप रूट्स आर देयर, 8800 प्रॉप रूट्स आर देयर। अब ये 8800 प्रॉप रूट है तो नेचुरली इट इज़ कवरिंग अ वास्ट एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है बेटा। तो ये कवर कर रहा है 14500 स्क्वायर मीटर, 14500 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर रहा है बेटा। एक्चुअली इस ट्री का, ग्रेट बैनियन ट्री का जो मेन स्टेम था वो इन्फेस्टेड हो गया था बग्स से, बग्स मतलब इंसेक्ट से, तो वो खराब हो गया, इसलिए मेन ट्रंक को तो रिमूव कर दिया गया है। एंड नाउ होल ऑफ द ट्री इज ऑन द प्रॉप रूट, सारा का सारा ट्री प्रॉप रूट है, एंड इटसेल्फ इट अपीयर्स लाइक अ फॉरेस्ट। अगर आप जाओ वहाँ पे तो देखो तो आपको ये लगता है कि ये खुद ही एक पूरा फॉरेस्ट है, विच इज़ कवर्ड बाय द ग्रीन कैनोपी, यानी कि पूरी तरह से कवर्ड है और आपको लगता ही नहीं है कि ये सिंगल पेड़ है, वेरियस प्रॉप रूट्स आर देयर। तो फर्स्ट इट इज़ फेमस फॉर, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन इज़ फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री। सेकेंड इट इज़ फेमस फॉर द पेंडेनस, पेंडेनस मेटा ये भी हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जब चैप्टर पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में ही, उसमें पढ़ेंगे। पेंडेनस एक प्लांट होता है जिसके का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मल्टीपल रूट कैप, हर रूट के एक कैप प्रेजेंट होती है बेटा टिप पर, लेकिन पेंडेनस के बहुत सारी रूट कैप प्रेजेंट होती है इस तरह से, तो वो मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होती है पेंडेनस का। तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, सो इट इज़ फेमस। एंड थर्ड इट इज़ फेमस फॉर वॉट, और तीसरी चीज़ ये किसके लिए फेमस है, तो बेटा इट इज़ फेमस फॉर द वाटर लिली, विक्टोरिया अमेजोनिया, विक्टोरिया अमेजोनिया, विक्टोरिया अमेजोनिका, विक्टोरिया अमेजोनिका का कॉमन नेम जो अगर हम लेते हैं तो दैट इज वाटर लिली। कई बच्चे विक्टोरिया अमेजोनिका और लोटस प्लांट, यानी वाटर लिली और लोटस प्लांट को सिमिलर मानते हैं, बट बेटा ये दे आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। विक्टोरिया अमेजोनिका क्यों फेमस है बेटा, दे हैव द लार्जेस्ट लीफ, इनकी लीफ बहुत बड़ी होती है, लार्जेस्ट लीफ इतनी बड़ी होती है कि अगर जैसे सपोज इतना बड़ा एरिया कवर करती है कि हम 6-7 लोग अगर बैठें नीचे आलती पालती मार के बैठे, तो 6-7 लोग जितना एरिया कवर करते हैं वो एरिया इसका अकेली एक लीफ का होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि इसकी लीफ कितने डायमीटर की होती है, तो इट इज़ अराउंड 2-3 डायमीटर, मीटर 2-3 मीटर इन डायमीटर,
यू कैन इमेजिन एक डायमीटर कितना बड़ा होता है, तो दो डायमीटर की लीफ भी अगर हो रही है तो इट इज़ वेरी लॉन्ग बिग लीफ, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर लगता है बेटा। अगर जाके देखो नीचे ऊपर से ये ग्रीन कलर का होता है और साइड से इस तरह से कॉर्नर्स पे, जैसे हम लोगों के घरों में थाली होती है और थाली किनारे से खड़ी हुई होती है, उस तरह की अपीयर होती है, एक राउंड शेप में लगती है। और नीचे वाला पोर्शन जो लोअर पोर्शन होता है विच इज़ विद द वाटर के साथ में अटैच रहता है, दैट इज़ कॉपरिश कलर, कॉपर कलर का होता है और ऊपर वाला ग्रीन कलर का, एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो इसके लिए भी फेमस है। तो आई जस्ट टेलिंग यू इंडियन बॉटनिकल गार्डन किस लिए फेमस है, तो इट इज़ फेमस फॉर थ्री थिंग्स, फाइकस बेंगालेनसिस दैट इज़ ग्रेट बेनियन ट्री, सेकेंड इज़ द पेंडेनस विच हैव द मल्टीपल रूट कैप, एंड थर्ड इज़ द विक्टोरिया अमेजोनिया अमेजोनिका, अमेजोनिका मीन्स वाटर लिली, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वन, उसके लिए इट इज़ फेमस फॉर। नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड, एंड द सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड इज़ जूलॉजिकल पार्क। अब बेटा जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, तो सिंपली जूलॉजिकल पार्क्स आर दोज एरिया वेयर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैप्ट इन एनक्लोज्ड स्पेस। मैंने यहाँ पे ये टर्म यूज़ करी है एनक्लोज्ड स्पेस, ये एनक्लोज्ड स्पेस ही डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द जूलॉजिकल पार्क। आप लोगों ने नेशनल पार्क ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा बेटा, नेशनल पार्क सेंचुरीज है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क आर दोज एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिव्ड ओवर देयर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो एनिमल्स वहीं रहते हैं। जैसे अगर माउंटेन गोट है तो वो हिमालयन रीजन में ही रहेगी, वहाँ पे ही नेशनल पार्क जो है नंदा देवी नेशनल पार्क, वहाँ पे ही वाइट स्नो लेपर्ड भी मिलेगा, वहीं पे ही माउंटेन गोट भी मिलेगी। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में यू कैन गेट द स्नो लेपर्ड ऑल्सो, यू कैन गेट द माउंटेन गोट ऑल्सो, यू कैन गोट कैन गेट द पांडा ऑल्सो, यू कैन गेट द जिराफ ऑल्सो, विच इज़ नॉट द जिराफ इज़ नॉट अ नेटिव ऑफ हेयर, इट इज़ अ नेटिव ऑफ अफ्रीका, बट वी कैन सी जिराफ ऑल्सो, वी कैन सी एलिफेंट, मीन्स ऑल दोज एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑल आर प्रेजेंट इन द जूलॉजिकल पार्क। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट इन एनक्लोज्ड स्पेस, उनको एनक्लोज्ड स्पेस में रखा जाता है, एंड प्रोवाइडिंग द नेचुरल टाइप ऑफ हैबिटेट, यानी उनका जो हैबिटेट है उस तरह का उनको कंडीशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सबसे पहले चीज़ आती है फिर वापस से, कि जैसे हमने कहा था कि वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बॉटेनिकल गार्डन, तो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द जूलॉजिकल पार्क। तो नेक्स्ट अपन डालते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस, मैं सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, प्राइम इम्पॉर्टेंस लूंगी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, मीन्स वो एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। दिस विल यू ऑल्सो स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड, 12th क्लास में हम लोग इसको लेंगे बेटा। तो वहाँ पे ये इनको कैसे कंजर्व किया जाता है, तो 12th क्लास में एक दो मोड आते हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन होता है इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, और एक्स सीटू, एक्स मतलब आउट, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी कि द एनिमल्स आर कंजर्व इन अदर एरिया विच इज नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट, तो दैट इज दोज एनिमल्स आर कंजर्व इन द जूलॉजिकल पार्क। क्लियर है बेटा, यानी जो एंडेंजर्ड इन एनिमल्स हैं उनको उनके नेटिव प्लेस से हटा के प्रोटेक्टिव प्लेस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे जो भी उनके नेचुरल हैबिटेट के एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनको रिप्रोड्यूस करवाया जाता है बाय कीपिंग इन द
कैप्टिविटी सो दैट देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज एंड दे विल गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल। सेकेंड बेटा सेम फॉर साइंटिफिक स्टडी, अगर एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है तो यूजुअली एनिमल बिहेवियर इज स्टडीड इन द वाइल्ड ऑल्सो एज वेल एज एनिमल स्टडीड इन द कैप्टिविटी ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वन, मैंने आप लोगों को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बताए थे जिसमें मैंने फोर एग्जाम्पल्स लिए थे। फर्स्ट इज द म्यूल एंड द हिनी, जिसका मैंने बताया था कि म्यूल और हिनी जो होती है वो नेचर में मिल जाते हैं, है ना, और वो स्टराइल होते हैं। तीसरा मैंने लिया था लाइगर एंड फोर्थ इज द टाइगन। लाइगर और टाइगन का मैंने बताया था कि दे आर प्रोड्यूस्ड अंडर कैप्टिविटी, यानी जूलॉजिकल पार्क में रख के उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है एंड दे आर द फर्टाइल वन। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए किया जाता है। एंड थर्ड इज द सेम, दैट इज फॉर एस्थेटिक वैल्यू। आप लोग बेटा कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ में जू जरूर गए होंगे, तो हमें जू जाके, बच्चों को जू जाके बहुत अच्छा लगता है, तो वो इसलिए कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं विच वी कांट सी इन एट आर प्लेस। तो दैट इज फॉर, दीज आर द इम्पॉर्टेंस। अब बात आती है कि जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं, बेटा एक चीज़ मिस हो गई है मेरी बॉटेनिकल गार्डन में, कि ये इंडियन बॉटेनिकल गार्डन का तो नाम मैंने ले दिया था कि एक तो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन होता है। सॉरी आई हैव टू कम ओवर हेयर। तो वन इज़ द इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, एंड सेकंड इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है बेटा वो है, दैट इज फॉरेन की बात करें तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट है बेटा ये, एंड दैट इज इन द क्यू, एंड दिस इज इन लंदन और यूके, यूके में या लंदन में ये बॉटेनिकल गार्डन है क्यू में। नेक्स्ट एक और आता है बेटा इंडिया का जो फेमस है, दैट इज नेशनल इंडिया का नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इट इज इन द लखनऊ। कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा ये? लखनऊ में प्रेजेंट है। लखनऊ इज इन इंडिया, यू नो दैट। तो तीन बॉटेनिकल गार्डन हमारी बुक में है बेटा, जो मेरी स्लिप हो गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कमिंग ओवर हेयर, अदरवाइज अभी वर ऑन द जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क की हम लोग इम्पॉर्टेंस कर रहे थे कि व्हाट आर देयर इम्पॉर्टेंस। तो सिंपली दीज आर द इम्पॉर्टेंस। अब आता है बेटा कि सिंपली जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेरियस टाइप ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स आर देयर, मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर हैविंग। तो वहाँ पे उनके बारे में, यानी एनिमल्स के बारे में उनका बिहेवियर साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उनके बिहेवियर की स्टडी की जाती है बेटा, उनके यू कैन से कि किस तरह का हैबिटेट, कैसी हैबिट है, कौन से हैबिटेट में रहते हैं, ये सब स्टडी किस में की जाती है बेटा, ये सारी स्टडी की जाती है इन द जूलॉजिकल पार्क। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द म्यूजियम एज वेल एज द हर्बेरियम, एंड लास्ट वीडियो में जो टैक्सोनॉमिक एड का लूँगी, दैट विल बी ऑफ द की। थैंक यू।